मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्यूरेट पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति है एग्जाम के अंदर इससे 11 अंक के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति के अंदर तीन टॉपिक है। त्रिकोणमिति अनुपात फर्स्ट है, सेकेंड है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, और थर्ड है ऊंचाई एवं दूरी। आज हम आपको त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण के बारे में बताएंगे, और इससे ये टोटल 11 अंक है, इसमें यह 3 अंक का क्वेश्चन आता है, इससे 1 आता है, इससे और 7 अंक का क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन तो आएगा 6 अंक का और एक आएगा इससे 1 अंक का। तो आज हम त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे क्वेश्चन आपके पास में ऐसा आता है कि निम्न सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए। अब सर्वसमीकरण आपके पास में ये लिखी हुई है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल 2 cosec थीटा। अब यहां पर दो साइड है, इसको बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गए RHS यानी राइट हैंड साइड। तो हम यहां सिद्ध करने के लिए पहले लेंगे LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया है वो लिखते हैं। तो ये दिया है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सबसे पहले क्या देखते हैं, चेंज किए हुए साइन और कोस में, तो साइन और कोस का कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो यहाँ प्लस है और ये दोनों लिखे हैं, तो इनका लघुत्तम लेंगे। इन दोनों का लघुत्तम हो गया साइन थीटा का साइन थीटा, और ये 1 प्लस cos थीटा, इसको cos 2 में लिख दो 1 प्लस cos थीटा। अब यहां लघुत्तम आ गया sin थीटा cos 2 1 प्लस cos थीटा लघुत्तम। अब 1 प्लस cos थीटा का भाग देंगे इसके अंदर लघुत्तम में, यानी 1 प्लस cos थीटा ये तो कैंसिल हो गया, केवल बच गया sin थीटा। अब इस sin थीटा को इस sin थीटा से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा sin थीटा इनटू sin थीटा, फिर प्लस ये साइन और साइन का इसमें भाग दिया, साइन से साइन कैंसिल, और कितना बच गया 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ ऊपर भी है 1 प्लस कोस थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा कोस टेक 1 प्लस कोस थीटा। अब अपने पास में साइन और साइन गुणा करते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये भी दो पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin थीटा cos 1 प्लस cos थीटा। यहां पर इसके होल स्क्वायर आ गया, तो होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, यानी सूत्र लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अंदर a का मान तो 1 है और b का मान cos थीटा, तो ये sin स्क्वायर थीटा का, तो sin स्क्वायर थीटा फिर प्लस ये a का मान है ये b का, तो 1 1 का स्क्वायर प्लस cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा 1 गुणा cos थीटा 2 गुणा 1 गुणा cos थीटा, और अपॉन जो लघुत्तम होगा ऐसा कैसा है कि sin थीटा cos 1 प्लस cos थीटा। ये sin स्क्वायर का sin स्क्वायर, इनके स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो 1 के जगह कितनी घात, उसका मान 1 ही रहेगा। ये cos है, cos का स्क्वायर किया cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 दो गया cos से गुणा किया, तो ये हो गया 2 cos थीटा अपॉन
साइन थीटा कोस्टक वन प्लस कोस थीटा। अब ये अपने पास में कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों के स्क्वायर, तो हम ये लिख सकते हैं सूत्र हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है एक के बराबर। ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इन दोनों की जगह लिख देंगे एक, तो ये हो गया वन प्लस टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का, तो साइन थीटा प्लस वन प्लस कोस थीटा। अभी वन और वन हो गए टू, यानी दोनों का योग हो गया दो प्लस दो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा। अब ये है दो, यहां भी है दो, यहां दोनों में से दो कॉमन, तो ये दो तो आ गए कॉमन, यहां से दो कॉमन, यहां बच गया एक, यहां बच गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस्टक वन प्लस कोस थीटा। अब ये ऊपर भी वन प्लस कोस थीटा है, नीचे भी वन प्लस कोस थीटा, ये दोनों हो गए कैंसिल, यानी वन प्लस कोस थीटा से वन प्लस कोस थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर बच गए दो, नीचे बच गया साइन, यानी हो गया दो बटा साइन थीटा। लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि वन अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो इसकी जगह हो गया टू कोसेक थीटा, यानी वन अपॉन साइन का कोसेक, और ये हो गया टू कोसेक थीटा। अब ये देखते हैं कि आरएचएस में क्या था, आरएचएस में था टू कोसेक थीटा, तो यहाँ आगे लिखोगे एलएचएस बराबर है आरएचएस, और फिर लिखेंगे सीधा। एक बार दोबारा देखते हैं इसको, सरल समीकरण थी साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा प्लस वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर टू कोसेक थीटा। तो सबसे पहले इसके अंदर दो साइड है, ये तो हो गई एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई आरएचएस राइट हैंड साइड, यानी ये तो हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष, जिस साइड में आप खड़े हैं या बैठे हैं जिस तरीके से पढ़ रहे उस साइड में, जिस तरफ भी मुंह है उस साइड के अंदर एक साइड में आपका बायां हाथ है, तो बायां पक्ष हो गया दायां, तो दायां पक्ष हो गया। अब एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड लिया पहले हमने, तो साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा हो गया, वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, इन दोनों का क्या किया लघुतम लिया, इसका वन प्लस कोस थीटा का और साइन थीटा का, तो लघुतम हो गया साइन थीटा कोस्टक वन प्लस कोस थीटा। ये वन प्लस कोस थीटा का इसमें भाग दिया तो ये गया साइन पर साइन, और ये साइन गुणा होंगे तो साइन इंटू साइन, फिर प्लस साइन का भाग दिया साइन कैंसिल, वन प्लस कोस बच गया, तो वन प्लस कोस थीटा और इंटू वन प्लस कोस थीटा। अब यहाँ इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि दो बार साइन और साइन दोनों गुणा में, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ये वन प्लस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा दोनों सेम है और दोनों गुणा में, तो होल स्क्वायर हो गया, या फिर हमको गुणा करते थोड़ा सा लंबा हो जाएगी गुणा, तो ये वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बढ़ गया कि वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो सूत्र बढ़ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए का मान तो यहाँ था वन और बी का मान था कोस थीटा, साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है, ए की जगह वन था और बी की जगह ये कोस थीटा, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर बी की जगह कोस, कोस का होल स्क्वायर, फिर प्लस, तो प्लस टू ए बी दो गुणा एक गुणा कोस थीटा एक गुणा कोस थीटा हो गया। अब ये साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर एक का स्क्वायर क्या एक हो गया, कोस का हो गया कोस स्क्वायर, इनको गुणा किया तो गया टू कोस थीटा। लेकिन साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है एक, तो इन दोनों की जगह हो गया एक, तो ये एक, फिर ये एक था तो प्लस एक और प्लस टू कोस थीटा, इन दोनों का योग कर दिया एक और एक दो, दो प्लस दो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा, कैसा कैसा, यहाँ भी दो है यहाँ भी दो, दोनों से दो कॉमन आ गए, यहाँ बच गया एक यहाँ बच गया कोस थीटा, लेकिन वन प्लस कोस थीटा ये वन प्लस कोस थीटा दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल, ऊपर बच गया टू नीचे बच गया साइन थीटा, यानी दो बटा साइन थीटा हो गया। अब ये सूत्र है कि वन अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा,
तो इसकी जगह दो के दो रहेंगे और ये हो गया वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा इधर कोसेक यानी दो कोसेक थीटा हो गया। अब हम देखते हैं एलएचएस में अपने पास में आ गया दो कोसेक थीटा, आरएचएस में भी कितना है दो कोसेक थीटा, यानी दोनों साइड बराबर होगी तो एलएचएस बराबर आरएचएस, यहाँ पर क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, ये होगा कि निम्न सर्व समीका को सिद्ध कीजिए, तो सर्व समीका को सिद्ध करना है और क्वेश्चन है अपना अंडर रूट वन प्लस कोस थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा इक्वल कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे अंडर रूट उठाएंगे, अंडर रूट उठाने से पहले दो साइड होगी एलएचएस और आरएचएस, तो हम क्या करेंगे एलएचएस लेंगे, एलएचएस के अंदर अंडर रूट वन प्लस कोस थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा। अब ये अंडर रूट आ गया तो अंडर रूट कैसे ठीकगा, ऐसे नहीं कि इसका वर्ग करें तो दोनों साइड में वर्ग होता है, इधर वर्ग करेंगे तो लंबा हो जाएगा। अब यहां से अंडर रूट उठाने के लिए इसका वन माइनस कोस थीटा है तो इसके विपरीत चलेंगे, ये अंश और हर हर के विपरीत यदि वन माइनस हो तो वन प्लस से गुणा करेंगे अंश और हर दोनों को, और यदि यहां प्लस हो तो वन माइनस से गुणा करेंगे। अब अपने पास में यहां माइनस है तो आप ये लिखोगे अंश व हर को वन प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर, अंश और हर दोनों को सेम से गुणा करेंगे, ऊपर हो गया अंडर रूट वन प्लस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा से गुणा कर लेंगे अपॉन वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा। ऊपर देखो ये दोनों सेम है और दो पर हो गया तो ऊपर हो गया होल स्क्वायर यानी अंडर रूट वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये है वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा। इसके अंदर सूत्र बनता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ a का मान तो ये 1 है और b का मान cos थीटा, तो यहाँ स्क्वायर होगा a का स्क्वायर और माइनस cos का स्क्वायर, यानी यहाँ हो गया a का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। ऊपर वाला ऐसा कैसे 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर a कोस का स्क्वायर किया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अपने पास सूत्र है कि वन माइनस कोस स्क्वायर, क्या लिखेंगे कि वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कोस का होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ वन माइनस कोस स्क्वायर है इसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर है वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट है पूरे का, ये साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से है ऊपर है वन माइनस कोस स्क्वायर, ये वन माइनस कोस स्क्वायर इसके इक्वल कितना हो गया साइन स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है दोनों तरफ भी स्क्वायर है तो अंडर रूट हो गया कैंसिल, वन प्लस कोस थीटा तो ये हो गया वन प्लस कोस थीटा स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, नीचे साइन स्क्वायर तो यहां से भी अंडर रूट कैंसिल और कितना हो गया साइन थीटा, यानी अपने पास में है एलएचएस के अंदर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है लेकिन आरएचएस में भी ये नहीं है यहां कोस से और कोट में, तो ये जो साइन है इस साइन का भाग देंगे 1 और कोस थीटा में, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन प्लस वन अपॉन कोस
वन अपॉन साइन प्लस कोस अपॉन साइन, ये दोनों लिखे भी साइन का भाग एक में भी जा रहा है और कोस में भी जा रहा है। अब अपने सूत्र है कि वन अपॉन साइन थीटा बराबर तो होता है कोसेक थीटा, और कोस अपॉन साइन यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो यहां वन अपॉन साइन है, इसकी जगह लिखेंगे कोसेक, तो ये हो गया अपना कोसेक थीटा प्लस कोस अपॉन साइन, इसकी जगह हो गया कोट थीटा। अब जो अपना आरएचएस में था वो था कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो यहां अभी लिखोगे अब क्या होगी दोनों साइड बराबर है एलएचएस बराबर आरएचएस, तो फिर आगे लिखेंगे एचसी दब। अब इसके अंदर वही है, यदि यहां माइनस हो प्लस से अंश और हर को दोनों को गुणा करेंगे, और यदि यहां प्लस हो तो माइनस से गुणा करेंगे, और माइनस से गुणा करने के बाद में आगे हल करेंगे अंडर रूट कैंसिल कर दिया, अंडर रूट कैंसिल होते दोनों को अलग अलग लिख दिया, वन प्लस कोस अपॉन साइन है दोनों को अलग अलग लिख दिया, जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए, और अपनी सर्वसमीकरण यह है कि साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दो साइड ये एलएचएस होगी ये आरएचएस होगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एलएचएस लेंगे, एलएचएस में अपने पास में साइन की घात 6 प्लस कोस की घात 6। देखो 6 घात का सूत्र नहीं है, 3 का है 2 का है, यहां अपने पास में 3 घात का है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो गया और कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो गया। ये वापस से होती है नहीं, देखो यहां सूत्र लगेगा एक की घात एम और एन, तो ये हो जाता है एक की घात एम एन, ये एम की जगह 2 एन की जगह 3, ये 2 और ये 3 दोनों एम एन का मतलब दोनों गुणा और कितने हो गए 6, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ये दोनों सेम ही। अब यहां पर ऐसे लिखते ही अपने पास में सूत्र बन गया, सूत्र ये बना कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, ए क्यूब और बी क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये लिखा है यहां पर अपने पास में एक का मान तो हो गया साइन स्क्वायर और बी का हो गया कोस स्क्वायर, इस सूत्र के अंदर मान रखेंगे तो पहला ए प्लस बी, एक का मान तो ये साइन स्क्वायर है बी का मान कोस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस्टक ए स्क्वायर, यहां साइन स्क्वायर है तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, एक का मान साइन स्क्वायर थीटा है बी का मान कोस स्क्वायर थीटा है, फिर प्लस बी स्क्वायर बी का मान कोस स्क्वायर है तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दिया। लेकिन ये जो लिखा है हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, तो ये हो गया 1 कोष्टक, यानी इसका मान हो गया 1, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर यानी साइन की हो गई 4 घात, 2 और 2 4, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, फिर ये कोस के भी कितनी हो गई 2 और 2 4,
इसको हम पहले एक से गुणा करते हैं, तो किसी भी संख्या या कोई भी मान उसको एक से गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये हो गया अपना साइन की घात 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की घात 4। पहले कोस ये साइन स्क्वायर कोस ये साइन की घात 4 है, कोस की घात 4 है, दोनों को एक साथ में लिख देते हैं कि साइन की घात 4 प्लस कोस की घात 4 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अपने पास में 4 घात है, यदि यहां बीच में माइनस होता तब हम ऐसे लिख सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेते, लेकिन यहां माइनस नहीं है प्लस है, और प्लस और 4 घात हो तो आपको इसके अंदर 2 जोड़ना है, 2 घटाना है, यानी साइन की घात 4 प्लस कोस की घात 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसके अंदर 2 जोड़ेंगे, 2 क्या जोड़ेंगे, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा दिया, यानी ये प्लस के 2 प्लस के 2 माइनस के दोनों आपस में कैंसिल, वापस वही आ जाता है। लेकिन ये जो है साइन की घात 4 कोस की घात 4 और ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ में लिख दो क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो गया साइन की घात 4 थीटा कोस की घात 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 ये और 1 ये कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ये जो हमने लिखा है इसके अंदर सूत्र बनता है, सूत्र ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो साइन की घात 4 है इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, 4 वापस होगी, कोस की घात 4 है इसको ही लिख सकते हैं कोस स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 2 और 2 4 होगी, तो यहां से एक का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर और बी का मान हो जाएगा कोस स्क्वायर। ये है अपने पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके अंदर पूरा बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये एक का मान साइन स्क्वायर बताए, बी का मान कोस स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन दोबारा आएंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, याद है कोमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, मान एक या